गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वी आर के फैमिली व्लॉग। तो चले सुबह हो गए हैं और सुबह सुबह का नाश्ता देखिए पापा क्या लाया है सुबह। ये है मक्का पोहा का चिवड़ा ना, पोहा है। ये है गाठिया पापड़ी। यहाँ पे गाठिया फ्रेंड्स, तीखा गाठिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग तीखा यहाँ पे गाठिया पापड़ी खाने की मजा ही अलग है। साथ में शंकर पारा और साथ में देखिए मस्त एकदम मोरा मोरा मिर्ची और जो कल हमने ब्रेड लिए थे वो। आज सुबह का नाश्ता है, ये है हमारा गर्मा गर्म चाय साथ में। तो चलिए यहाँ का फ्रेश फ्रेश गाठिया पापड़ी रोज खाए ना फ्रेंड्स तो भी अच्छा लगता है ना साहब। और साथ में ये मिर्ची, और मुझे आज खाना है ना ब्रेड पकौड़ा, तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप लेके आओ मेरे लिए। हाँ तो मैं जाऊँगा तो लेके आऊँगा। सुबह सुबह यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और फ्रेंड्स मैं गया था फिशिंग पे तो मैं आ गया फिशिंग से। बस लीजिए ना फोन। तो मैं आ गया फिशिंग से, मतलब मेरी आप हालत देख सकते हो। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया लॉबस्टर थे, बहुत बड़े बड़े लॉबस्टर। तो क्योंकि आज है मंगलवार और हनुमान जयंती का दिन है, इसलिए मैं कुछ लेके नहीं आया। छोटे छोटे मतलब इतने इतने वो लेसी भी थे क्रैब्स, पर मैंने ना बोल दिया कि नहीं आज नहीं खाना है। तो अभी वापस जाऊँगा दो दिन के बाद, तब देखूँगा क्या मिलता है क्या नहीं। लॉबस्टर तो शायद नहीं मिलेंगे, पर क्रैब्स खाने को ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि लॉबस्टर्स तो तकरीबन 1500 रुपया किलो है। तो यहाँ पे देखिए मैडम मिर्ची खा रही है पोपट के माफिक, जरा पोपट के जैसा बोलिए तो सही। पोपट बेचारा इधर है देखो, बाजू बाजू के घर में दो तीन चार पोपट है वो बोल रहे हैं। सुबह सुबह वो लोग की आवाज़ सुनाई देती है। और अल्पेश बिजी है मोबाइल में, मालूम नहीं कौन से मंत्री का फ़ोन आने वाला है, कब से फ़ोन देख रहा है। देखिए हंस रहा है अल्पेश। और सीटूडी भी नाश्ता पानी करके आराम से वहाँ पे लेट गई है। और हमारे राजकुमार साहब तो अभी भी ऊपर सो रहे हैं, उनकी गुड नाइट हुई हुई गुड मॉर्निंग हुई नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखते रहिए। हाँ आज काफ़ी कुछ मतलब होने वाला है, तो क्या होने वाला है? वो आप दिखाएंगे ना मंदिर में क्या होने वाला है। फ्रेंड्स मैं एकदम रेडी हो गई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि कल जो बॉम्बे से मामा मामी आए हैं उनके लड़के का छेराछेरी का फंक्शन है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि छेराछेरी कैसे हो रही है भाई भाभी की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूजा हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए छेराछेरी का फंक्शन चालू है, महेश और उनकी वाइफ का, मतलब ये हमारे भाई बाबू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए छेराछेरी खोली जा रही है, बांधी जा रही है, दूल्हा बांधेगा और दुल्हन छोड़ेगी, ऐसा रिवाज है यहाँ पे। देखिए दूल्हा बांध रहा है और दुल्हन खोल रही है छेरा छेरी।
भगवान के सामने इससे छेरा छेरी का फंक्शन किया जाता है भाई भाभी का। और देखिए फैमिली सब बैठे हैं यहाँ पे। गांव के सब अलग अलग रिवाज है, तो देखिए आप लोग फ्रेंड्स भाई भाभी के छेरा छेरी का फंक्शन हो गया जो मुंबई से आए हैं। मतलब हमारे में कैसे फ्रेंड्स की शादी होती है ना, तो यहाँ पे गांव में आके जिसके माताजी का मंदिर रहता है, जैसे हमारी कनकाई माता है, ये लोग की अगस्त्याई माता है, जैसे अलग अलग माताजी का मंदिर रहता है, वहाँ पे छेरा छेरी का फंक्शन करना पड़ता है। तो ये हो गया भाई भाभी का छेरा छेरी का फंक्शन, तो अभी चलते हैं घर पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स अपना वर्षा आ गई मंदिर में से, मतलब वो जो उसके मामा के लड़के की सारी पूजा वगैरह थी तो वहाँ से आ गई। और आते ही यहाँ पे देखिए हनुमान जयंती के अवसर पर आज फराल का खाना यहाँ पे बन रहा है। तो ये है आलू की कढ़ी, फराली कढ़ी, और वहाँ पे देखिए साबूदाना खिचड़ी के लिए आलू फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे साबूदाना भिगोए हुए थे जो हम बम्बई से लाए थे। और बम्बई से ही लाए हैं फ्रेंड्स। हाँ बहुत कुछ, मतलब दाल कठोर कुछ हम लोग ने रिलायंस में गए थे ना, ऐसा सोचा नहीं था ना कि यहाँ पे हम लोग आएंगे। मतलब हाँ मतलब सब किलो किलो लेके रखा था, दाल वगैरह सब कुछ किलो किलो, पूरा मुंबई से ही यहाँ पे हम लोग नहीं लेके, हम लोग ने कुरियर किया। हाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए पूरा डब्बा भर के है, और यहाँ पे तामझाम पूरा पड़ा है, आलू कांदा। अभी अभी मैं चाय पी के उठा हूँ तो वो भी कब पैसा ही पड़ा है, तो अकेले हाथ है क्योंकि मम्मी पापा दिव्य अल्पेश तो गए हैं घूमने, रिश्तेदार के यहाँ पे मिलने गए। तो चलो वर्षा ने यहाँ पे कमान संभाल ली है खाना बनाने की, और बीच में ये परेशान कर रही है हमारी मैडम। ये मैंने आलू छिला हुआ पानी था तो वो भी वो सूंघने आ रही है क्योंकि उसको आलू पसंद है, और हमने अभी आलू खिलाया नहीं उसको, पूरा एक वाटी दही खिलाया था। ये रहा एक वाटी दही। तो मैडम कब तक बन जाएगा आपका ये फराल का खाना? आधे घंटे में सब बन जाएगा। और आधे घंटे में बन जाएगा बिल्कुल भी, अभी तक तो हमें ठंडी लग रही है, गर्मी का एहसास है ही नहीं, क्योंकि सुबह भी इतनी, रात को सुबह बहुत ठंडी है। अरे तो मैं इसको ऐसा लगता है कि मांगरोड़ में बहुत गर्मी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी तक कुछ नहीं है, फिर आगे आगे पता नहीं। तो भी क्या, अपना ये समुंदर नजदीक है ना, तो समुंदर का जो ठंडा हवा है। तो आप गए थे ना फिश, और मैं तो मैं गया था दोस्तों दरिया में मछली पकड़ने चाचा के साथ, तो बहुत ही मजा आया। और क्लाइमेट बोले तो मतलब एकदम कूल क्लाइमेट था, और हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे और आते आते 10 बज गए, क्योंकि जाल उठाना वगैरह ये वो कोई खाने की काम नहीं है। मैं तो नहीं उठा रहा था, चाचा और उसका लड़का उठा रहा था भाई, वो जाल उठाने के लिए ताकत चाहिए, मेरे में है कहा ताकत, बस खाली शरीर ही ऐसा गोल मटोल है, ताकत नहीं है ना। ताकत तो भरपूर है, पर वो उनका उठाना वगैरह वो एक टेक्निक रहता है, वो लोग किस टेक्निक से उठाते हैं वगैरह, ये अगर आपको वो वीडियो देखना है तो कानक्या फैमिली में आप जाके देख सकते हो। थोड़ा बहुत ही मैंने वीडियो लिया था, क्योंकि क्या है मेरे फोन की बैटरी एकदम लो हो गई थी, इसलिए मैं वो वीडियो कुछ ज़्यादा नहीं ले पाया हूँ, तो आप वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए अभी सारा खाना हो जाता है, उसके बाद मिलते हैं। हाँ लेती हूँ उसके बाद। हाँ वही अभी आधे घंटे में, मतलब समझो कि पूरी ये जितनी भी रसोई है, क्योंकि दो ही रसोई बनने वाली है, एक तो ये कढ़ी, देखिए कढ़ी वघार भी हो गई, और साबूदाना की खिचड़ी, साथ में आलू की सूखी भाजी भी है, और आलू की सूखी भाजी है फराली, क्योंकि मैंने आलू छील के रख दिए इसके अंदर पतीले के अंदर, देख लीजिए ढक के रखना पड़ता है क्योंकि आलू चोर यहाँ पे घूम रहा है, ये है बड़ी आलू चोर, क्योंकि मौका मिले तो पूरा आलू उठा के लेके भाग जाए। एक बार याद है शंकर पारा लेके भाग गई थी पूरा। तो चलिए मिलते हैं आपको आधे घंटे के बाद, मतलब पूरी रसोई होने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अपना दोपहर का खाना बन के रेडी है, उपवास का खाना, ये साबूदाना की खिचड़ी, साथ में ये है फलाली, मतलब उपवास के आलू, और यहाँ पे देखिए ये है कढ़ी, उपवास की कढ़ी। तो सारा खाना बन चुका है, और यहाँ पे देखिए साफ सफाई भी चालू हो गई है गैस की, मतलब
कुछ रखना ही नहीं है, हो गया सीधा क्लीन कर दो। तो फटाफट अभी खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं कहीं पे जाना है कि नहीं, है ना। तो चलिए।